मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जो इंडिया का जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है ना, तो हम दिखाने के लिए हम डोंग वैली में हैं। और डोंग वैली में अभी बज रहा हमारा 3:15। अलार्म दे के रखे हैं, 3 बजे उठे थे तो कुछ दिख नहीं था, 3:15 का कुछ हम नज़ारा दिखाते हैं आपको। यह है 3:15 का, और अभी हम दिखाने जा रहे हैं 3:30 बजे का व्यू। कुछ इस प्रकार है, हम वेट करते हैं उजाला तक का। और अभी हम दिखाने जाएंगे 3:50 का कुछ व्यू। हाँ, 3:50 में कुछ दिख रहा है भाई। और हम लोग एकदम व्यू पॉइंट में ही हैं, टेंट वगैरह लगा दिए थे, बट हम पर सबसे पहले तो दिखाते 3:50 का ये व्यू है। तो भाई फाइनल अभी 3:55 का हम व्यू दिखाने जा रहे हैं। ये है 3:55 का व्यू, देख सकते हैं अभी बज रहा है, दिखाते हम 3:55 हो रहा है ना, 3:55 का हम व्यू दिखाते हैं आपको कुछ। तो ये है भाई 3:55 का व्यू, 3:56 अभी हो रहा है। और यहीं पे हम लोग टेंट वगैरह पूरा गाड़ दिए थे, देख सकते हैं। और ये पूरा बादल छाया हुआ है, क्योंकि बता दे कल रात को थोड़ा बारिश किया था यहाँ पे भाई। टेंट पूरा गीला है, देख सकते हैं। और एक्चुअली हम लोग अभी डोंग वैली में ही हैं, और सूर्य तो आज विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि को ना थोड़ा बारिश किया था, ज़्यादा तो नहीं किया था लेकिन बारिश किया था, टेंट वगैरह पूरा भींग गया है, तो इसलिए सूर्य देवता आज विराजमान नहीं होंगे। लेकिन उनके रूप में देखे उजाला तो है, इतना फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि 3:50 में हम 3 बजे से ही अलार्म लगाना स्टार्ट कर दिए थे कि कब उजाला हमको देखने को मिलेगा। तो फाइनली ये सॉलिड उजाला है अभी 3:50 में, मतलब कुछ कार्य कर सकते हैं। और व्यू तो आप लोगों को दिखाई दिए हैं शानदार व्यू के साथ, 3:50 का एक बार फाइनल व्यू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जो आते हो कैसे आप सभी, स्वागत है भाई आप सभी को एक नए ट्रेवलिंग ब्लॉग में। तो मधुपा कॉल इंडिया लिफ्ट आर्डर भाई, डोंग वैली अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पूरा दिखाया 3 बजे से लेकर अभी 7 बज रहे हैं, 2 घंटा एक्सप्रेस हो दिया, 4 बजे के बाद 7 बजे तक सो दिया यार। और अभी अभी सूर्यदेवता विराजमान हो गए यार, देखे मतलब हल्की सी झलक दिखने को मिल रही, लेकिन मिल तो रही है सही। और ये है भाई खूबसूरत यहाँ का व्यू। और डोंग वैली में हम लोग टेंट सेंट लगा के अपना यहीं पे रात बिताया था। एक्चुअली में जो सनराइज पॉइंट है ना भाई, वहाँ से लेकर ये हुआ 3rd पॉइंट वहाँ तक है, वहाँ पे जाना था हमें 12 बजे रात को, बट क्या होना 12 बजे रात से ही बारिश स्टार्ट हो गई। जैसे कि हम दिखाए थे आपको रात को 3 बजे वाला वीडियो में कि किस प्रकार बूंदाबांदी पूरा स्टार्ट हो गई थी, और बादल पूरा ढका हुआ था। बादल ढकने के कारण वहाँ सूर्य देवता तो दिखाई देंगे नहीं, तो जाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ से भी दिख जाता है ना। तो हमने 3 बजे से स्टार्ट किया कि एक्चुअली फैक्ट क्या है, जो कि सनराइज पॉइंट होता किस टाइम पे है और कितना उजाला होता है। तो हमने 3 बजे से दिखाया था, है ना, 3 बजे दिखाया था। 3 बजे थोड़ा सा डाउन था, अंधेरा था, मतलब ठीक ठाक दिख रहा था बट कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। 3:30 बजे में हल्का कैमरा कैप्चर कर पा रहा था बट वहाँ उजाला हो गया था। 4 बजे ना पूरा
उजाला हो गया था, मतलब 3:50 लगभग में पूरा उजाला हो गया था, 3:50-3:45 में पूरा उजाला हो जाता है यहाँ पे। तो वो ओरिजिनल फैक्ट था, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं 3:45 में। और भाई यही खूबसूरत है व्यू। एक्चुअली जो फैक्ट होता है ना वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडिया का ना ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है डोंग वैली में। तो उसका हम रियल स्टोरी आपको फेस करवाएं, वो भी आज तारीख है 6 जुलाई को 2023 को हम रियलिटी दिखाने पूरी को। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर ना कुछ कुछ फेक फेक दिखाते हैं, ये होता है वो होता है, जो एक्चुअल होता है ना वो दिखाने की कोशिश करो, ताकि जो हमारे जरिए जितने भी पब्लिक देख रहे हैं उसे के भावना के साथ खिलवाड़ ना हो, ताकि आने वाले जितने भी टूरिस्ट है वो खुशी खुशी आए और जो एक्चुअली फैक्ट है ना वो देखे, है ना। और ये है भाई, हम दिखा दे, यहाँ से चाइना करीबन आपको 30 किलोमीटर है। तो हम चाइना का जो पर्वत है ना वो दिखाने की कोशिश करें, वो जो बादल से हल्का सा ढका हुआ है ना वो वाला, वो चाइना का पर्वत है। बाद बाकी इतना जितना भी है ना इंडिया के अंदर आता है, तो ये पूरा तिब्बतीय एरिया है। ओ भाई क्या खूबसूरत व्यू है। और हमारे सहपाठी भी उठ चुके हैं, अभी 7 बज रहा है, टेंट वगैरह जल्दी क्लोज करेंगे। और 2 दिन से हमें नेटवर्क मिली नहीं है, इस साइड में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क लेने के जाने की पूरी कोशिश करेंगे आज। और ओह टेंट पैकिंग होने के बाद मिलते हैं डायरेक्ट। तो भाई हम सबसे पहले आपको देसी स्लाइडिंग दिखाते हैं गेट। ये देखो भाई बांस मुड़ गया, स्लाइड हो गया। अब जैसे ही अंदर आएगा फिर ऑटोमेटिकली गेट लग जाएगा। ये देसी स्लाइडिंग गेट है भाई। तो भाई देख सकते हैं ये है सेब का बगीचा, और बहुत सारे यहाँ पे सेब के पेड़ लगे हुए हैं, अभी कुछ फला भी नहीं। ओ भाई अभी हम आ गए डोंग की सवारी, डोंग जीरो, यानी अभी हम लोग डोंग में घूम रहे हैं यार। ओ थोड़ा सा मेरा बोर्ड गिर गया यार, कोई नहीं, चलो खैर सवारी पे हम लोग हैं अभी डोंग में। ये है भाई इंडिया का बहुत ही प्रसिद्ध जगह यार, सूर्य देवता यही पे विराजमान होते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी जगह में जाती है यार। और इधर थोड़ा ना गाय बैल थोड़ा ना ज्यादा पाले जाते हैं, घास हरियाली थोड़ा इधर ज्यादा है। और इधर की पहाड़े आप देख सकते हैं, और सूर्य देवता अपना ब्राइटनेस पूरा फुल कर दिए हैं अभी तो। हाँ मस्त नज़ारा है। और इस प्रकार का भी डिजाइन है यहाँ पे, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन गाय टाइप से जो लुक है ना गाय लोग का उस टाइप से। तो भाई इस ब्रिज में चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, सच में बहुत अच्छा फील आ रहा है। देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, इन्हें रफ्तार से नदी बह रही है यार, वाह मस्त मस्त मलंग नजारा है। नदी की रफ्तार देखे भाई, इधर भी कितना रफ्तार से बह रही है। और बता दे कि ये चाइना से बह के आ रही है, चाइना से बह के आ रही है नदी, वाह मजा। भागो 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 भागो, बहुत मजा आ रहा है। जो 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 वाह क्या मस्त हवा है यार। ओहो डर भी लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब दो ही खम्भे हैं ना, एक उस किनारे और इस किनारे। तो ये सेम लाइक ऋषिकेश का राम झूला लक्ष्मण झूला टाइप से ये ब्रिज है, उससे भी डेंजर है ये। दोस्त इससे मिलिए, ये नदी में पैसा फेंकेगा और बोल रहा है कि पैसा बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक बचपन में हम लोग भी करते थे ना, डुल्लू को मार के उसका मुड़िया तोप देते थे, उसके बाद है ना, उसके बाद हमें सुबह खोद के देखते थे कि पैसा मिले बोल के, बट वहाँ कुछ मिलता ही नहीं था भाई। डोंग की कुछ घरे की बनावट जो है ना बहुत ही शानदार लग रही है, आप देख सकते हैं। और ये शानदार व्यू के साथ ये घर को बनाया गया है। और जो डोंग की जो एग्जैक्ट वैली पॉइंट है ना, वहाँ ऊपर से डायरेक्ट सन दिखती है वहाँ से 3 करीबन। और हम जितना हो सके दिखाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि मौसम ख़राब था इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाए, कोई फ़ायदा नहीं होता, पूरा बादल से घिरा हुआ था। मैं भी अभी निकल रहे हैं नागालैंड की ओर, क्योंकि हमारा पास
वैलिड 2 दिन बचा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं। तो हाईवे वहाँ पे है, लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं। पता नहीं गाड़ी चलेगा कि नहीं, इधर कोई विश्वास नहीं क्योंकि गाड़ी ही नहीं चलता है। प्रॉब्लम 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 ही झेल रहे हैं अरुणाचल में। लेकिन आप लोगों तक ये चीज़ों का दिखाना बनता था, हमें क्या है, हम तो घूमने वाले आदमी हैं, बट आप लोग देखो कि हमारा इंडिया में नेचर ब्यूटी और जो सनराइज पॉइंट है वो किस टाइप से है, और यहाँ की किस टाइप से लाइफ स्टाइल है वो भी दिखाना था। थोड़ी यहाँ गाड़ी की दिक्कत होती है, बट नो डाउट हाईवे वगैरह बन रहा है, 2-3 सालों में पूरा चकाचक हो जाएगा, गाड़ी दौड़ने लग जाएगी और टूरिस्ट यहाँ भर भर के आने लगेंगे। एवरीवन, तो फर्स्ट लिफ्ट हमें मिल गई है, और भाई ये बहुत मुशक्कत के बाद इधर थोड़ा कम गाड़ी चलता है, बट नो डाउट लोग बहुत अच्छे हैं, तो लिफ्ट मिल गई यार। तो मिलाते हैं हम सबसे पहले भैया लोग से। सर हाय कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप भी भैया। ओके, तो चलो भाई निकलते हैं आगे की ओर, स्टार्ट हो गया हमारा लिफ्ट। Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. So, भाई, finally हम तेजू लैंड कर गए हैं। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम लोग 4 बजे करीबन, हम लोग 4 बज रहा और वाह सूर्य देवता का ब्राइटनेस खराबा है यार। और ये है तेजू का मेन चौराहा, ये कुछ घड़ी है यार, पता नहीं चल भी नहीं रही है, चल नहीं रही है थोड़ा सा, खैर हम तो चल रहे हैं आगे की ओर। और ये है तेजू का खूबसूरत, हाँ, और ये है कुछ तेजू का खूबसूरत व्यू। आगे की ओर निकलते हैं, मैं भी असम यहाँ से 20 किलोमीटर अप्रोक्स है, लिफ्ट मिले तो जाएंगे, नहीं तो कहीं पे स्टे करने की जगह ढूंढने पड़ेंगे। सो फाइनली हमें तेजू से लिफ्ट मिल गई है करीबन 15 किलोमीटर की, तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी और कहीं अच्छी सी लोकेशन देख के डेट लगाएंगे भाई। तो भाई चलते चलते भागते भागते हम आगे हैं तेजू से करीबन 10 किलोमीटर आगे, और हमें मिली एक मंदिर जो कि बजरंग बली का मंदिर है, तो वहीं पर टेंट वगैरह लगा दिए हैं भाई, और यहीं पर आज रात स्टे करेंगे, और खाना साना जो है एक बाबा रहते हैं उन्हीं के पास खाएंगे यार। और तो ये मंदिर बजरंग बली का है, तो प्रेम से बोले सियावर श्री रामचंद्र की जय। तो आज का जो सफ़र था भाई यहीं तक, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाएं, और भाई को ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।